सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो सर्दी गर्मी हो या वर्षा, सदा चलता रहेगा अपना ही चर्चा। तो यार जो अपना चैनल है वो सिर्फ डॉग्स पे नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो अपना चैनल है वो सिर्फ डॉग्स पे नहीं है। आई एम अ डॉग लवर, आई एम अ एनिमल लवर। तो इस वजह से मैं आपको सामने कुछ आपके लिए ये वीडियोस ला रहा हूँ। अपनी नॉलेज है मेरी जो डॉग्स के ऊपर, वो जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ सिर्फ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस उससे ताकि आपको भी पता चले जो मेरे को पता है, ताकि मेरे को भी अच्छा लगता है कि अगर किसी को कुछ डॉग्स के बारे में नहीं पता, एनिमल के बारे में नहीं पता, तो मैं उसको बता रहा हूँ और वो मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है ना। इससे मेरे को एनकरेजमेंट मिलती है, इससे मतलब यार चलो यार आपको पता ही होगा। चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो है लैब्स लेबोरेटरी रिट्रीवर पे। तो यार जो कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आज मैं इसके बारे में, जो मैं फर्स्ट फैक्ट आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो यार अपने जो लेबोरेटरी रिट्रीवर हैं इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। अगर किसी ने लैब रखा हुआ है और वो उसको खुला छोड़ता है घर में, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा टाइम वो खुला ही रहता है, तो आप उसके घर में देख सकेंगे सोफ़े पे, चेयर वगैरह पे, कि वहाँ पे छोटे छोटे बाल होंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि यार इसके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। जैसे गर्मी से सर्दी होती है या सर्दी से गर्मी, इस तरीके से जब सीज़न या मौसम चेंज होता है, ठीक है ना, तो ये जो है इसके बाल झड़ते ही हैं। और ये रोक नहीं सकते, इसको कम कर सकते हैं लेकिन रोक से नहीं सकते बिल्कुल भी। तो जो सेकंड फैक्ट ये है वो ये है कि जो ये डॉग है, ये डॉग ब्रीड है, ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी वेट गेन करती है। आप यार इसको बचपन से लिमिट में खिलाना, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता है और आप इसको बचपन से ही बहुत ज़्यादा खिला रहे हो, तो यार ये बड़ा होकर भी खाएगा, और जैसे जब ये बड़ा होगा तो ये बहुत जल्दी वेट गेन करेगा। बचपन में भी काफ़ी ज़्यादा फैट लगेगा, ये दिखने में एक्टिव नहीं रहेगा, आपके साथ कम खेलेगा। जो थर्ड फैक्ट है वो ये है कि यार ये सिर्फ चार कलर में आता है, ब्लैक जो आपने अभी देखा पहले देखा इसे, और ऑफ वाइट जो अभी आप देख रहे हो, और ये येलोइश गोल्डन कलर जो अभी आप देख रहे हो, और जो फोर्थ कलर है वो है चॉकलेट कलर, ठीक है ना। तो यार अगर आपको इससे अलग कोई कलर मिलता है, इसमें एक ग्रे कलर भी आता है, वो बहुत ज़्यादा रेयर है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो आपको मिलता है तो काफ़ी रेयर है, काफ़ी महंगा भी हो सकता है। तो यार जो मैं आपको फोर्थ फैक्ट बताना चाहता हूँ वो ये है कि कभी भी कोई भी अगर आप लेबरा ले रहे हैं तो उसको देख के लें, उसके कहीं पे भी अगर ब्लैक डॉग है तो वाइट स्पॉट ना हो या गोल्डन स्पॉट ना हो कोई भी, और अगर गोल्डन डॉग है तो उसको ब्लैक स्पॉट ना हो, ठीक है ना। तो ये देख के रहें, गोल्डन जो कलर होगा डॉग का या येलोइश कलर होगा उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वाइट आएगा, और अगर बिल्कुल ऑफ वाइट है तो उसके अंदर येलो कलर नहीं आता, अगर आपको कोई भी ऑफ वाइट दे के बोल रहा है, ठीक है, बोल के दे रहा है। तो ये कलर है, ये थोड़ा येलोइश कलर है, इसका आप हेड देख सकते हैं जो येलो है, थोड़ा थोड़ा गोल्डन है, और बाकी बॉडी देख सकते हैं वाइट है। तो जो मैं ग्रे कलर की बात कर रहा था वो ये वाला कलर है जो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, बहुत ज़्यादा। तो यार जो इसका फिफ्थ फैक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा एनिमल फ्रेंडली डॉग ब्रीड है। इसके साथ आप कोई भी एनिमल रख सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी, छोटा भी बड़ा भी, ठीक है। तो यार मैं आपको 5 फैक्ट्स इसके बारे में अभी तक बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं इसकी यार थोड़ी सी प्योरिटी चेकिंग और आप क्या क्या देख के लें अपना डॉग वो बताऊँगा। तो यार अगर आप चेक करना चाहते हैं, अगर आपको डॉग्स वगैरह के बारे में इतना नहीं पता, तो आप अगर चेक करना चाहते हैं कि हमारा डॉग जो है वो प्योर है या नहीं है, तो यार हमेशा चेक करें उसकी टेल बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मीडियम साइज़ में होगी, ठीक है ना। फिर चेक करें उसका हेड साइज़ बढ़िया होना चाहिए। जैसे आप इनको देख सकते हैं, इन सब का जो ऊपर तीनों हैं चॉकलेट, ये वाला चॉकलेट कलर जो मैं आपको बता रहा था, चॉकलेट कलर, ब्लैक कलर, गोल्डन, येलो देख चुके हैं, इनके हेड साइज़ भी बड़ी है, ठीक है। और उसके बाद जो आप देखें वो इनके कान देखें, जो इनके कान होते हैं मतलब ईयर्स होते हैं वो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, ठीक है ना। और इनका पंच फेस होगा थोड़ा थोड़ा, जो आप बच्चा लेंगे उसका पंच फेस होगा ध्यान से लें ये बात देख के, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें आप हमेशा देखें, इससे आपको अगर आपको ये नहीं पता डॉग्स के बारे में तो आप प्योरिटी चेक कर सकते हो कि ये प्योर है या नहीं,
तो उसके बाद यार मैं ये कहना चाहूँगा, आप जब भी डॉग ले तो क्या देख के ले, उसकी एक्टिविटी और वो क्या कर रहा है कैसे है ये सब देख के ले। ये एक डॉग की वीडियो जो आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप देख सकते हैं, मतलब ये जो हमने वीडियो बनाई हुई है, ये मतलब ये मेरे से जिन्होंने वीडियो बनाई है उनसे पहले मिला नहीं, उनको देखा नहीं, तो उनके ऊपर कैसे भौंक रहा है, कितनी एक्टिविटी बढ़िया है इसकी। और इसकी टेल देखिए कैसे वॉक कर रही है, ईयर्स देखिए, साइज़ देखिए इसका, ये टू मंथ्स के करीब बच्चा है जो है डॉग का। तो यार जो मैं कह रहा था, हमेशा डॉग की एक्टिविटी देख के लें, आप ये देख के लें कि आपका डॉग, आपका जो बच्चा है वो एक्टिव है या नहीं, ठीक है, उसकी हेल्थ चेक करें। बचपन में बच्चा जो लैब्राडोर का बच्चा होता है वो अगर 2-3 महीने के अंडर है तो वो 4-5 किलो में होगा, ठीक है ना, 3-4 किलो में, 5 किलो का होगा, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी डॉग ब्रीड है। कि यार अगर आप ना मतलब जितनी अच्छी क्वालिटी लोगे उस सब से आपको डॉग मिलेगा। यार अगर आप बढ़िया डॉग लेना चाहते हो तो मैं क्या कि आप 10,000 रुपये, 9-10,000 रुपये इकट्ठे करें और बढ़िया डॉग ब्रीड लें। मैं ये नहीं कह रहा जो सस्ते डॉग देते हैं वो नकली देते हैं, लेकिन यार बहुत ज़्यादा लोग हैं ऐसे जो नकली आपको दे सकते हैं, मिक्स दे सकते हैं डॉग ब्रीड, ठीक है। तो यार आगे जो कंटिन्यू करूँगा, क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अपने उससे ब्रीडर से जिससे आप ले रहे हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा लेब्रा के बारे में। तो अब अभी तक के लिए बस यही, थैंक यू।